ठीक है अभी ठीक है। तो देखिए सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि आप सारे कंटेंट को सब्जेक्ट वाइज क्लास सॉरी क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज आप इसको स्टोर करें। और ये जो चीज आप स्टोर कर रहे हैं कंटेंट, ये किसी एक साल के लिए नहीं होगा। जैसे हमारा जो सिस्टम अभी है वो एकेडमिक ईयर डिपेंडेंट है, कि जो भी होमवर्क बनाते हैं क्लास वर्क बनाते हैं वो एकेडमिक ईयर बेस्ड है। लेकिन ये वाला जो हमारा मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल कुछ भी एकेडमिक बेस्ड नहीं है। ये आपका कंटेंट थ्रू आउट लाइफ आपका यूज कर सकते हैं। और ये कंटेंट आप किसी दूसरे स्कूल को अगर आपको सेल करना है तो आप बेच भी सकते हैं। वो आपका अपना डिसीजन होगा। तो देखिए ये सिंपल कैसे काम करता है हम आपको बता देते हैं। एकेडमिक कंटेंट मैनेजमेंट में जाएंगे, हमारा सिंपल प्रिंसिपल है कि आप लर्निंग मटेरियल्स आप बना लें, और बनाने के बाद लर्निंग मटेरियल्स को बनाने के बाद आपको जो कंटेंट आप बनाए हैं वो पेरेंट्स के साथ स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें। वेरी सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट ये है। एक सेकंड होल्ड करिएगा। सिक्योरिटी एनेबल वेटिंग रूम। ठीक है, तो ये देखिए जब से हम लोग इस वाले मॉड्यूल पर आ गए, ये आपका ग्रेड है। यहाँ पे क्लास 1 से 12 तक आपका ग्रेड है। और जो कॉलेज है, जो बहुत सारा हमारा क्लाइंट जो है कॉलेज भी है, तो कॉलेज के केस में आपको क्या करना है कि अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉलेज है, तो कॉलेज के केस में यहाँ पर आपका ये भी आ जाएगा बीकॉम अकाउंट्स, जो भी आपको करना है। अगर आपको ग्रेड नहीं करना है, मतलब आईआईटी का तैयारी करवाना है, जी का तैयारी करवाना है, तो उस चीज का भी आपको एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए हम सिंपल यहाँ पे ग्रेड सेलेक्ट कर रहे हैं, ग्रेड 8। ग्रेड 8 में आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं मैथ। देखिए आप सिंपल क्या किए, यहाँ पे ग्रेड सेलेक्ट किए। हम लोग ग्रेड इसको इसलिए कह रहे हैं, जैसे इंडिया में क्लास बोलते हैं बट इंटरनेशनली इसको ग्रेड बोला जाता है। और ये प्रोडक्ट जो हमारा इंटरनेशनली सेल होगा, इसलिए हम लोग इसको ग्रेड बोल रहे हैं। तो आप ग्रेड सेलेक्ट किए क्लास 8, और क्लास 8 और कौन सा सब्जेक्ट है मैथ। तो अब यहाँ पे अभी क्या है हमारा, हाँ ये देखिए यहाँ पे हमारा क्लास 8 में मैथ में कोई भी फोल्डर नहीं बनाना है। तो इसको बहुत ही ज्यादा हम लोग जेनरिक बनाए हैं कि जो भी फोल्डर आपको बनाना है वो फोल्डर सिंपल आप चैप्टर वाइज बना लीजिए या प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली बना लीजिए। और इस चैप्टर का जो भी डिटेल्स है आप सिंपल डिटेल्स यहाँ पे दे दीजिए। ये देखिए आपका एक चैप्टर यहाँ पे बन गया, ये रहा हमारा चैप्टर 1। और एक चैप्टर बनाना है, वेरी सिंपल, आप क्या करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 का जो भी आपका डिटेल्स है वो आप रखें, ताकि आपको आइडिया हो कि वो चैप्टर क्यों है, किस लिए है। हमारे पास 2 चैप्टर बन गया। अब चैप्टर 1 को आपको क्लिक करना है। इस चैप्टर में जो भी लर्निंग मटेरियल्स है आपका, जो भी है, चाहे वो ऑडियो है, चाहे वीडियो है, चाहे कोई लिंक है, चाहे कुछ भी है, तो वो मटेरियल्स आप यहाँ से बनाएंगे, एड मटेरियल। एक सेकंड का होल्ड करिएगा प्लीज। ये देखिए आपका चैप्टर 1 में अभी हमारा कोई भी मटेरियल नहीं है। और ये देखिए काफी जेनरिक बनाए हैं ताकि ये हमेशा बहुत ही अच्छे ढंग से यूज हो। एक लर्निंग मटेरियल हम लोग बनाते हैं, ऐड ए लर्निंग मटेरियल। जैसे हमारा अगर मानसून के ऊपर है कुछ भी, मानसून या पाइथागोरस थ्योरम हो गया, तो इसका सब्जेक्ट और सॉरी इसका टॉपिक आपको बनाना है। हर एक चीज का आप टॉपिक बनाइए ताकि जो पेरेंट्स है और स्टूडेंट्स है और टीचर्स है, पूरा कंटेंट आपका ऑर्गेनाइज्ड हो और आप किसी को सेल कर पाए और किसी बच्चे के साथ शेयर कर पाए, इरेस्पेक्टिव ऑफ एकेडमिक ईयर। मतलब आने वाले 5 एकेडमिक ईयर में आप इसको बना सकते हैं। अगर आपका बुक चेंज होता है, कोर्स चेंज होता है, तो भी उस केस में क्या है, मानसून तो मानसून ही रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम ही रहेगा। तो
तो जो भी आपका इसका टॉपिक है वो टॉपिक आपको लिखें मानसून, ये आपका टॉपिक बन गया। अब मानसून से रिलेटेड अगर आपका मानसून से रिलेटेड अगर आपके पास 20 लर्निंग आइटम्स है तो टॉपिक सबका एक रहेगा। देखिए जो टॉपिक बनाए वो सिंपल यहाँ पे मेरा आ गया। अब आपका जो भी कॉन्टेंट है वो कॉन्टेंट आप कहीं से भी उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी कॉन्टेंट उठा लीजिए। जैसे हम यहाँ से उठाते हैं मानसून, मानसून हमारे पास विकिपीडिया में है, ये रहा। तो ये हमारा मानसून का, हम यहाँ पे कुछ भी उठा लिए, इतना सारा उठा लिए, आप यहाँ पे सिंपल लिख लिए जो भी कंटेंट है, कंटेंट लिख लिए आप। कंटेंट लिखने के बाद अगर आपको ये वाला जो लिंक है बच्चे के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप सिंपल क्या करेंगे, लिंक मानसून विकी लिंक, और ये आपका लिंक हो गया। अगर आपके पास कोई YouTube का वीडियो है तो आप उसको YouTube का वीडियो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। YouTube में जाते हैं, अगर कोई मानसून का आपके पास, आपके अगर स्कूल का अपना, आपके स्कूल का अपना कोई चैनल है तो आप यहाँ पे जाएंगे मानसून, ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन मानसून। ये आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिंक उठाएं, लिंक कॉपी करें और आप सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, मानसून यूट्यूब लिंक। ये पूरा एक आइडिया क्या है कि आप किसी भी चीज को कोलैबोरेट कर पाए। मतलब हमारा सिंपल आइडिया है कि एक कलेक्शन बनाया जाए और वो कलेक्शन आपका फॉर एवर यूज हो। ये देखिए हमारा बन गया। अब इस वाले चैप्टर में क्या है, मानसून, इस चैप्टर टू में हमारे पास एक लर्निंग आइटम है एंड दैट इज मानसून, और कौन बनाया है, क्रिएटेड बाय प्रशांत रॉय। आपका जो भी टीचर है सब बना सकता है इसको। अगर एडिट करना हो तो आप दोबारा से आप जा सकते हैं, और इसमें आपको लिंक है, वीडियो है, कुछ भी अटैचमेंट है, सारा अटैचमेंट्स आपका यहाँ पर आएगा, और दोबारा से जो भी अटैचमेंट डालना है डाल सकते हैं। अगर ये देखिए उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो लर्निंग आइटम है, ये लर्निंग आइटम अगर किसी दूसरे क्लास में भी यूज हो सकता है तो वो आप वहाँ पे भी असाइन कर सकते हैं, ये भी होगा। और इस तरीके से क्या होगा कि लर्निंग आइटम्स जो भी मटेरियल्स आपका बन रहा है वो क्रॉस द क्लास आपको यूज हो सकता है। तो ये जो है जेनरिक है। अभी क्या है कि अब आपको ये वाला लर्निंग मटेरियल्स आपको स्कूल का जो बच्चा है उसको असाइन करना है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, असाइन टू स्टूडेंट क्लास। अब ये आपका अपना एकेडमिक ईयर है, ये देखिए ये जो क्लासेस है ये आपका अपना एकेडमिक ईयर है। यहाँ पे जो भी आपका बना है क्लास थ्री, तो थ्री वाले को असाइन कर दीजिए। कौन से सब्जेक्ट में, क्लास थ्री का अगर कोई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आएगा, नहीं इसमें कोई सब्जेक्ट है नहीं, क्लास वन, हाँ ये देखिए इसमें कोई एक सब्जेक्ट है। तो वेरी सिंपल क्या हुआ कि ये वाला लर्निंग आइटम्स आप इस क्लास में इस सब्जेक्ट को असाइन कर दिए। तो ये हमारा सिंपल लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट है। और ये लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट क्या है कि जेनरिक है, आप इसको इरेस्पेक्टिव ऑफ एकेडमिक ईयर बना लीजिए, चैप्टर वाइज बना लीजिए। अगर प्रिपरेशन करा रहे हैं आईआईटी का तो आप क्या बनाइएगा, ऐसे करके बना लीजिएगा कि प्रिपरेशन फॉर आईआईटीजी जो भी है। तो इस तरीके से आप हर एक चीज बना सकते हैं और इसको बहुत ही जेनरिक तरीके से यूज कर सकते हैं। और ये एग्जैक्टली सेम चीज आपका यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पे बच्चे को जब ऑनलाइन क्लास आप लेंगे, ये देखिए ये आइडिया ऑनलाइन क्लास का सिर्फ लॉकडाउन के लिए नहीं है, ये है फॉर एवर है। क्योंकि बच्चा का जो बैग है वो काफ़ी फुल हो जाता है, तो बच्चे के पास जो भी होमवर्क है, ये देखिए जो भी हम लोग शेयर करेंगे वो यहाँ पर आएगा। ये चीज़ अभी बनने में 1 वीक बाकी है अभी हमारा, क्योंकि हमारा पूरा फोकस था इसको बनाने में। तो ये हमारा बन गया है, वेडनेसडे को बिल्कुल लाइव जाएगा। और जो भी देखिए लर्निंग मटेरियल्स आप बनाए हैं तो आपको सिंपल स्टूडेंट को क्या बोलना है कि जिस भी डेट में, जैसे आज हमारा 1 अप्रैल है मानते हैं, तो 1 अप्रैल में आप सिंपल बोलेंगे देखो ये चैप्टर है, इतना सारा चैप्टर में जो भी लर्निंग मटेरियल्स है आप देख लीजिए यहाँ पर। और ये कंटेंट आपका किसी स्कूल में अगर 50 टीचर्स है तो 50 मल्टीप्लाइड बाय, अगर एक स्कूल में एक टीचर पूरे साल में अगर वो 30 भी बनाता है तो 1500 लर्निंग मटेरियल्स आपका बनेगा।
और ये वाला जो लर्निंग मटेरियल से आप कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं वन बाय वन, और इसके बाद एक दो चीज छोटा छोटा चेंजेस है वो भी हम आपको बता देते हैं। आई थिंक सारे स्कूल को हम लोग पहले दे चुके हैं ये चीज। हमारा जो ऑनलाइन एग्जाम था, जो जो चेंजेस है हम वो बता दे रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम में जो पिछली बार सारा फीडबैक दिया था सारा स्कूल, तो वो लोग हम लोग अकॉर्डिंगली चेंज कर लिए हैं। और ऑनलाइन एग्जाम में क्या है कि जब आप एक नया क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, जब आप नया क्वेश्चन बनाते हैं तो ये ग्रेड आपका यहाँ पर आएगा, ये रहा। और जैसे ये देखिए अभी हम लोग बहुत बड़ा चेंज किए हैं, ये चेंज किया है कि जो ग्रेड आपका जेनरिक ग्रेड यहाँ पर आ रहा है और जेनरिक सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, एग्जैक्टली सेम चीज आप ग्रेड यहाँ पर भी आएगा और एग्जैक्टली सेम सब्जेक्ट यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। तो जो भी एग्जाम्स बनाते हैं और जो भी लर्निंग मटेरियल्स बनाते हैं, और आने वाले समय में कुछ एक समय में हम लोग होमवर्क क्लास वर्क में भी चेंज करेंगे, तो होमवर्क क्लास वर्क ऑनलाइन एग्जाम और लर्निंग कॉन्टेंट मैनेजमेंट, ये आपका इरेस्पेक्टिव ऑफ एकेडमिक ईयर बन जाएगा। और आप इसको कोई भी एकेडमिक ईयर में यूज कर सकते हैं और किसी भी दूसरे स्कूल को आप बेच सकते हैं। अगर आपको पूरा चंक आपको नहीं बेचना है, आपको जो भी आपका आपका अपना डिसीजन है वो, अगर आपको लगता है कि क्लास टेंथ का वर्कशीट आपको बेचना है तो आप दूसरे स्कूल को बेच सकते हैं, ठीक है। और ये जो भी एग्जाम होगा यहीं पे बच्चे को आएगा इस वाले में, जो आप यहाँ से एग्जाम असाइन कर रहे हैं। तो हमारा बड़ा चेंजेस ऑनलाइन एग्जाम में क्या है कि जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन में ग्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, नंबर वन। जब आप क्वेश्चन बैंक बनाते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन बैंक बनाते हैं, तो क्वेश्चन बैंक में आपको सारा फिल्टर्स काम कर रहा है, और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक में जब आप असाइन करना होता है तो कौन सा क्लास को कौन सा सब्जेक्ट को आप फिल्टर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन आंसर पे। हम लोग अब क्वेश्चन आंसर वन बाय वन सारा कर लेते हैं। वन मिनट, किन्हीं को कोई क्वेश्चन है जो हमारे साइड से प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट है, बाकी सारा ये वीडियो सबको भेज देंगे। आप प्लीज आप बताएं जो जिनको भी कोई क्वेश्चन है। हमारा मेन जो है पर्पस वो कि जो भी आपका फीडबैक है वो फीडबैक आप दे दीजिए, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चेंज कर लें एकेडमिक कंटेंट मैनेजमेंट में, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें और ऐसे होना चाहिए या कुछ और क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चंस पूछते रहिए। हाँ शीतल मैम बताइए क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन ये है पहला कि जो स्टडी मटेरियल हम बनाएंगे। शीतल मैम क्वेश्चन पूछिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। जो स्टडी मटेरियल हम बनाएंगे, हेलो हेलो, मेरा आवाज आ रहा है आपको? हेलो हेलो, हाय हाँ राघवन, जस्ट वन सेकेंड। सारे को हम परमिशन दे दिए हैं कि आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर पाए, तो हर एक आदमी अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। जब भी कोई क्वेश्चन हो तो आप अनम्यूट कर लीजिए। राघवन सर आप क्वेश्चन पूछे, राघवन सर आपके बाद हम सेंट हाय प्रशांत अंडर द एग्जामिनेशंस do we have the filters for selecting the Raghavan sir aapka sorry one minute ha Raghavan sir please ask your question now. Am I audible now? Yeah now you are audible. Yeah under examinations do we have the option for the filters is enabled under the exam? Yes it's enabled under question control. Yes, it's also enabled in the exam also. So if you go to the exam list, okay. And if you go to the exam, so I'm add going exam. To add it. So I understand your question. So simply do next. We have not created the filter, but we'll see all the questions here. So we have what we have done. Okay. We have given you the facility to reorder everything. So you can reorder by question type. You can reorder by mark, you can reorder by grade. If filter so option, you have all the questions of one type with in a list.
So this way you can simply see all questions of grade 1, all questions of grade 1 and subject 1. Okay. If you can give the filter option is also nice. Yeah, I think definitely we will give a filter option very soon. I mean, filter not urgent, but you can add it later, not a problem. Yeah, right. Yeah. Hello, can I ask my question now? Haha, puchhe ma'am. Actually, I have a question. The study material that we are going to create, can we, learning material, can we send it to the students through the scientific study app so that students can access it through the parent app? Yeah, definitely. I mean, that's the whole idea. So, like for now, we have released this one, Academic Content Management. So, हमारा live जा रहा है Academic Content Management, and after some time, like very soon, we are going to release the phone app. And in phone app, you can simply see class, subject, and all the chapters exactly like this one here. Learning materials exactly like this. You will be able to see all the video, audio, text. Chapter. Right now, we cannot send the learning material, or we have to wait for the update. I think you have to wait only for maximum for 5 days, not more than. I mean, you will take 4-5 days to start doing the content, and after 4-5 days, I think we will live app also with this learning content management view for the students. Okay, thank you. Will it be for also for the exams also? Yes. Exam also. Like everything. Exam also. I mean, see this page. Can you see this page? So this page is responsive, and this page will be linked with our phone app. So students, they will be able to see all the learning materials here also, and all the assigned exam here also. But anyhow, even now, the students can see all assigned exams in their login. But it will be integrated with the phone app. Okay. Agastya, Havaldar sir, आपके पास कुछ question था? Please अपना question पूछिए. हम आपको unmute कर रहे हैं. And जी. प्रशांत सर. हाँ बोलिए मैं. बोलिए सर. Sorry. ये जो learning content है, ये browser में भी खुलेगा कि केवल phone app में? दोनों जगह. Browser में भी खुलेगा और फोन ऐप में भी खुलेगा, दोनों जगह. अच्छा, ये लर्निंग मटेरियल ये कब तक लाइव हो रहा है सर? ये वेडनेसडे लाइव हो जाएगा. ये हमारा, ये देखिए, डेव सर्वर है, मतलब डेवलपमेंट का सर्वर है. इस पे ऑलरेडी चल रहा है, और इस पे हमारा कुछ टेस्टिंग हो रहा है. तो टेस्टिंग सारा फिक्स होने के बाद ज्यादा से ज्यादा वेडनेसडे इवनिंग, उससे ज्यादा नहीं होगा. वेडनेसडे इवनिंग वो कम्प्लीट लाइव हो जाएगा. आपके फुल एंड फाइनल आप यूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. अच्छा, ये लर्निंग मटेरियल वही थोड़ा सा हम लेट ज्वाइन किए इसलिए हम देख नहीं पाए हैं, तो वीडियो भेजिएगा तब देखेंगे, या टाइम मिलती है तो रिवाइज कर दीजिएगा. हाँ बिल्कुल, वीडियो सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप सारा वीडियो देख सकते हैं, और इसका हम लोग आर्टिकल्स भी बना के भेज देंगे, जैसे ऑनलाइन एग्जाम का आर्टिकल्स बनाए हैं. जी, ऐसा आर्टिकल्स बना के भेज. तो मंडे उंडे तक कुछ लाइव हो रहा है कि वेडनेसडे को ही लाइव होगा सब? मंडे जो ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम में जो चेंजेस हुआ है वो मंडे शाम को लाइव हो जाएगा. जो एग्जाम में जो आप फीडबैक दिए थे पिछले बार कि क्वेश्चन में ग्रेड आना चाहिए. नहीं, वो तो आ गया, मैं देखा हूँ, बहुत अच्छा हो गया अब. हाँ, वो पूरा लाइव हो जाएगा मंडे इवनिंग, पूरा लाइव हो जाएगा. हाँ, और ये बच्चे अपडेट करेंगे कि कैसे करेंगे सर फोन ऐप? नहीं, फोन ऐप कुछ अपडेट नहीं करना है अभी फिलहाल. 5 दिनों के बाद फोन ऐप अपडेट होगा, तो उसमें आप तो ऐसा कुछ करिएगा कि जिसे जब लाइव हो जाए तो बच्चे जब फोन अपना ऐप स्टार्ट करें तो कुछ अपडेट का उनको ऑप्शन आना चाहिए. ये आप अच्छा, बहुत अच्छा सजेशन दिए. रुकिए, इसको हम नोट कर लेते हैं कि जब फोन हमारा अपडेट हो. ये हम नोट कर लेते हैं. समझ रहे हैं कि नहीं बात को? हाँ, समझ गए. नहीं तो 1-to-1 फिर मैसेज देना पड़ेगा, फिर पता करना पड़ेगा कौन बच्चा अपडेट किया कौन नहीं किया. ठीक है, ये नोट कर लिए.
चलिए ठीक ठीक ज्ञानपीठ स्कूल सर कोई आपको क्वेश्चन ज्ञानपीठ स्कूल से आपको अनम्यूट किए प्लीज बताइए। हाँ सर वो जो ऑनलाइन एग्जाम का वर्डिंग है सारी जगह अपडेट नहीं हुआ क्या मेरे यार की अभी तक नहीं दिखाता है। नहीं अपडेट है आई थिंक अगर अपडेट नहीं होगा तो हम आपको मतलब हम नोट कर लेते हैं वो आप एक बार बता दीजिएगा वो इनेबल से बात किए ज्ञानपीठ बात किए थे एक बार हम लेकिन बस नहीं आया अभी तक। नहीं कोई दिक्कत नहीं हम ये हम लिख नोट कर रहे हैं बिल्कुल और हम आपको इनेबल करवा देंगे इनेबल एग्जाम। हेलो तो मेरा भी ये अपडेट नहीं हुआ ऑनलाइन एग्जाम का। ठीक है वो तो हम करवा लेंगे बाकी ऐसे कोई फीडबैक लर्निंग आइटम में no, कुछ और चेंजेस आई एम आई एम ओके विद दैट बट आई डेफिनेटली आई टोल्ड यू बिफोर अबाउट दैट क्लास वर्क एंड होमवर्क सेक्शन फिल्टर hope this will be able to this will enable on that particular place also in the mobile app and web right aapse baat hua tha wo filter wala option to right hope this student wala jo place hai student account jo hai that will be enabled with this filter options is easy to get all the things in a proper place. नहीं हम समझ रहे हैं ये चीज़ I think it's important. Okay. Dennis हम आपको unmute कर रहे हैं आप Dennis आपका question क्या एक बार बता दे सबको। Sir my question is same for uploading the bulk question in online question bank. How to upload that question bulk? हाँ ये इसी वीक में काम स्टार्ट होगा क्योंकि जो रिसोर्स हमारा काम कर रहा है ना ये जरा कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल है तो सब काम नहीं कर पा रहा है तो ये अभी जो एग्जाम का रिजल्ट है जैसे देखिए एग्जाम में हमारा चेंजेस हो गया और ये लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट भी बन गया है अभी जो इस वीक में काम होगा इस वीक में एग्जाम का बल्क क्वेश्चन अपलोड एक को ये होगा और एग्जाम का रिजल्ट ये दो चीज हो जाएगा और ये फ्राइडे तक हमारा लाइव भी हो जाएगा ये फ्राइडे तक डेवलपमेंट कंप्लीट भी हो जाएगा। वन मोर क्वेश्चन सर टू एक्सेस दिस एकेडमिक कंटेंट मैनेजमेंट यू विल लॉन्च अनदर ऐप और दैट कंटेंट विल बी इंटीग्रेटेड इन द सेम ऐप दैट नहीं सेम ऐप और सेम ईआरपी कोई चेंज नहीं। ओके ओके थैंक यू सर। हेलो प्रशांत सर। हां मैम बताएं। सर एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी रिगार्डिंग लर्निंग मटेरियल। हाँ शीतल मैम बताइए। सर एक्चुअली इफ अ क्लास वन टीचर हैज क्रिएटेड अ लर्निंग मटेरियल ऑफ एनी सब्जेक्ट एंड दैट टीचर असाइंस दैट लर्निंग मटेरियल टू ओनली क्लास वन स्टूडेंट्स दैट मींस ओनली क्लास वन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गेट एक्सेस टू दैट लर्निंग मटेरियल। हाँ हाँ ये देखिए इसीलिए हम लोग आपको फुल एक्सेस यहाँ पे दिए हैं जैसे देखिए आप यहाँ पे गए चैप्टर टू में गए ठीक है चैप्टर टू में जाने के बाद ये देखिए आप यहाँ पे ये वाला लर्निंग आइटम था मेरा मानसून वन तो मानसून वन में यहाँ पे गए और आपका जो क्लास असाइन किए ठीक है जो भी क्लास को असाइन किए थे वो यहाँ पे आएगा और उसके बाद आप किसी और क्लास को असाइन करना चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट के लिए तो ये कर सकते हैं ये मल्टीपल आएगा बेसिकली अभी नहीं आ रहा है बट ये मल्टीपल आएगा आप इसको असाइन कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स बट स्टिल आई एम टेकिंग अ नोट आफ्टर असाइनिंग इट विल डायरेक्टली गो टू द पेरेंट ऐप सो दैट राइट इट विल डायरेक्टली इट विल बी एक्सेसिबल थ्रू द पेरेंट्स ऐप फॉर दैट क्लास एंड दैट सब्जेक्ट। एंड सर आई वांट सॉरी अबाउट ऑनलाइन शीतल मैम सर आई वांटेड मोर डिटेल्स अबाउट ऑनलाइन एग्जाम। हां एक एक मिनट कौशिक सर एक मिनट होल्ड करेगा। हां शीतल मैम आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सर आई वांटेड डिटेल्स अबाउट ऑनलाइन एग्जाम बिकॉज़ आई डिडंट गेट दिस आई थिंक लास्ट मीटिंग आई डिडंट अटेंड सो इफ इट इज पॉसिबल टू शेयर द वीडियो। हां हां ये सारा वीडियो देखिए और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जितना भी वीडियो है नाउ वी आर अपलोडिंग हियर लाइक इफ यू लॉग इन टू द सिस्टम
और इफ यू कैन लॉग इन टू द फोन ऐप में सारा मटेरियल्स है, वीडियो आर्टिकल्स. तो आपको सिंपल क्या करना, वीडियो आर्टिकल्स यहाँ पे सारा आर्टिकल्स आपके पास रहेंगे. और हमारा जितना पुराना आर्टिकल्स है हम लोग उसको सारा हम लोग हटा दिए हैं और सारा दोबारा से वन बाय वन डाल रहे हैं. ऑनलाइन एग्जाम का आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है शीतल मैम, आपका कौन सा स्कूल है? ग्लोबल टैलेंट इंटरनेशनल स्कूल. ओके ग्लोबल टैलेंट. ओके ठीक है ठीक है. हाँ राघवन प्लीज टेल मी अंडर द whatever the questions that we have created under online exam, can we utilize in classwork and homework also? हाँ ये चीज है, exactly यही हमारा ये है. बट अभी जरा सा देर लगेगा, लेकिन जो भी questions है वो classwork homework में ही use होगा, मतलब वो cross होगा. ये exactly हम लोग ये काफी बड़ा system बना रहे हैं कि इसको. No, Prashant, can you communicate in English? Oh, sorry, I forgot. I mean, you know, like next time I will also do in different webinar for all English audience. So the question is, the exam questions will be integrated with the classwork or homework or not. So yeah, in coming time, you can, let me see, 1 minute, please hold for a sec. Yeah, for in coming time, this online exam or any question, one particular question can be integrated with the classwork or homework. Also in lesson plan also. So you can share a specific question or a group of questions in classwork and homework. Okay. Okay. So under classwork and homework, we can access this question. Right. Created questions. Right. Yes. And what's the difference between classwork homework and this learning material? Learning material is a simple, you know, like one stop place. It's a one stop for keeping all the repository of all the items, like whatever you have. Like, and this is a irrespective of academic year. Okay. So you can create the content based on the chapters, based on your need. And we can use it at under multiple. Like academic year. Yeah, the idea is you create the learning materials here, and you can, you know, like the one thing you asked about the can we use the question in classwork and homework. Okay. So the idea is to use this learning material in classwork and homework. Okay. Yeah, so the learning material is one place, it's the source of knowledge, and this source of knowledge can be used in homework, classwork, lesson plan, in online class. Or when even if you are taking class through a smart board, then also you can do this thing. Okay. Yeah. Prashant, is it possible to access? My question is clear for me. Leave it. Okay. Sanjukta, ma'am, aapko koi question ya koi feedback ki kaise aur bhi, you know, like how we can improve these things? It's really, I'm really very happy to that you have dubbed the software the way I wanted it. And the question that was in my mind has already been asked by Dennis sir in this questionnaire. So no questions right now. Okay, thank you. You know, like I'm hoping that this will be really useful for the school. Yeah, I'm really eager to wait. I can't wait till Wednesday to work on it and make it faster. yeah. And you know, like in future, we have planned to use this topic. So the topics that we are using, this topic can be used in homework, classwork. So a student, if they have to, you know, like a student, they have to search anything related to the monsoon. So they can see all the lesson plan, homework, classwork, or question bank related with the monsoon. Kaushik, sorry, Mantu ji, aapko question tha. मंटू जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. आप अपने आप को अनम्यूट कर लें. जी सर, प्रॉब्लम सर सॉल्व हो गए हैं. वो था कि सर ऑनलाइन एग्जाम क्रिएट करते समय मुझे वहाँ पे जो क्वेश्चन असाइन करना था वो क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट करने का ऑप्शन होना चाहिए. हाँ, वो हम लोग ऑर्डर बाय दे दिए हैं ताकि आप ग्रुप कर पाए सारे क्वेश्चन को. बट एज राघवन वाज सेइंग, राघवन सर ये कह रहे थे कि वहाँ पे फिल्टर अगर दे देंगे तो और भी यूजर फ्रेंडली हो जाएगा. वो भी हम लोग दे देंगे. ओके ठीक है सर. ठीक है कौशिक, आपको कोई क्वेश्चन और?
Prashant, what Sheetal ma'am told that when everyone is asking that when we are allotting any content to any class or any student, mm-hmm. so they should know by a notifications. Okay, if they got any homework or classwork or any content we share to that particular class, there should be a notification that something has allotted them. So is it possible to give a notification on that particular thing? Yeah, I think that's also a good idea. Particular update, any update they get, anything upload, homework or classwork, or any content we are sharing with them, that notification must be there. They must see that notification, something is allotted to them. I think this is a very good suggestion. Isko, I noted this one. And I think we will simply give one broadcast message in here itself. So, you know, like once you assign the things, we can see there are so many learning items, and if we keep giving notification on each assignment, then user parents will be crowded. So instead of that one, the whole idea is good. So instead of that one, we can give one broadcast message that, okay, send one broadcast message to the students that you have all these assigned things. That's an option. I want that option that if we need to send a notification or not. No need to send all the notification. It's very pathetic that all the notifications are coming. But I want that if a teacher or if the school wants that, no, I want students to send. Must know, then there should be a checkbox or some to write auto notify that this kind of thing has been allotted to you. Right, makes sense. Right. Okay. Like let me note down. Send notification or through the checkbox or something at the time of creating learning content. Yeah. Okay, I noted this one. I think most of the question we have covered. Sir, aapko sir koi question MBUIM? Sir, aapke phone ka naam aa raha hai MBUIM. Please. Prashant, after going through generate the report cards for the students based on the online exam. Sorry, awaaz cut gaya tha. Please ask your question again. No, actually my question is, after conducting the online exams, can we generate the progress report card for the students based on the online exam? Yes. This one is pending. As I said earlier, we have two things pending in online exam. Number one is bulk upload that Dennis was saying. Bulk upload of question, number one. And number two, see the progress report of all assigned and taken exams by the students. So we will take care of this in next week, and that will be done by the next Friday. So you will be able to see all the reports of taken exam, assigned exam, that how many students has taken exam, how many students were passed, how many students are failed. Okay. So you will be able to see all the report of exam, number one. And number two, the one you were saying about, I just forgot, what was the first thing? Yeah, bulk upload. Bulk upload of questions, through Excel sheet. Yeah, okay. And this phone app will support both Android and its iPhone, right? Yeah, right. Because this is a responsive page. So we will be simply integrating. We will be simply integrating the link in our phone app. And through phone app, there will be silently login to the user account. They don't have to re-log in. And the student will be able to take the exam. The student will be able to see the exam result, everything, without even doing login. So school key is compulsory to log in the first time? No. I mean, it will be integrated through phone app. So they have to simply click on take exam, and examination will appear, and students has to start taking the exam. That's it. There is no need to re-log in. Okay. Sital. Okay. Sital ma'am, or koi question? Dennis, any more questions?
No, sir, no more questions. I will just go through the video tutorial of online exams, as you said. Okay, I think, yeah, we have no question. No question, Prashant, no question. Okay. Mr. Prashant, KD Kaushik from Meerut. Oh, ha, Kaushik, sir, boliye, please. This is a good effort. I appreciate for this type of learning. This is good. Nowadays we are having everyone is having problem Zoom and as we are teaching online. So can you develop such a tool like Zoom? So that will be very useful for every school. So I think that everyone will be agreed with me. Yeah, I think this is very right question. Every school has this concern. Totally agreed with Kaushik sir. If you provide some video conferencing link to this particular can handle 100 minimum 100 students can join minimum 100 students as yeah. I told you Prashant that our school is going to get a different platform for this particular this video conferencing. So if you provide this integrated in the ERP, then it will be helpful to everyone. Everyone. That's why I would. I can tell you that. In US, I have seen. So this is a very. I think like most of the school has. Most of the school has this type of concern. So let me tell you, I like all the things about this. So, isme kya hai? वहाँ पर हम लोगों को इस तरह का प्रोजेक्ट मिला था अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो वहाँ पे हम लोग ऐसा डेवलप किए थे बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल. लेकिन जो जूम के साथ प्रॉब्लम है ना, तो कोई खास बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सारे स्कूल के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है. तो आपको बस सिंपल 5-6 चीज़ टेक केयर करना है कि जूम, एक तो आप जूम यूज कर सकते हैं, और इंस्टीड ऑफ जूम इन केस इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू यूज द जूम, देर इज वन सॉफ्टवेयर कॉल्ड LARK. तो लार्क स्वीट आप काम कर सकते हैं, जो कि हम लोग एक ट्रेनिंग सोच रहे हैं, हम लोग एक बार गेट कर लें. लार्क सूट भी आप यूज कर सकते हैं, और लार्क सूट भी काफी अच्छा है. बट आप जूम यूज करिए या लार्क सूट यूज करिए, एक वेबएक्स आता है, चाहे आप वेबएक्स यूज करिए. तो इन सारे के केस में क्या होता है कि बस आपको छोटा मोटा सेटिंग्स चेंज करना है. जैसे देखिए, हम आपको ये कह रहे हैं जूम में, जब आप जूम में ट्रेनिंग बनाते हैं, इज इट एनक्रिप्टेड? या या, इट्स कंप्लीटली एनक्रिप्टेड एंड इट्स वेरी मच सिक्योर. ओके, हाउ मेनी पीपल्स कैन जॉइन देयर? 100 पीपल. इट्स अ सेम लाइक जूम. ओके, इट्स अ सेम लाइक जूम. बट आप सिंपल एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है ना, ये देखिए, जब आप ये करते हैं ना, जब आप मीटिंग बनाते हैं, आपको बस दो चीज ध्यान रखना है. पहला, ये जो मीटिंग आईडी है ना, आप इसमें पर्सनल मीटिंग आईडी यूज नहीं करिए. आप इसमें हमेशा ये करिए, जनरेट ऑटोमेटिकली. तो इससे क्या होगा, मीटिंग आईडी आपका रैंडम होगा, बार बार चेंज होगा, तो कोई भी अनवांटेड आदमी या कोई भी हैकर आपको हैक इजीली नहीं करेगा. तो नंबर वन ये बात दिस, और ये दूसरा आपका ये रिक्वायर्ड मीटिंग पासवर्ड स्कूल टीचर्स एवरीवन. हाँ, एग्जैक्टली, बस यही करना है. और उसके बाद आपका रिक्वायर मीटिंग पासवर्ड, ये मीटिंग पासवर्ड में आप नंबर नहीं जनरेट करिए. आप इसमें ऐसे करिए, वन कैपिटल लेटर, वन स्मॉल लेटर, वन स्पेशल कैरेक्टर, और देन वन समथिंग लाइक दिस. और इसको आप जरा सा लंबा बना लीजिए, ठीक है? तो जो हैकर्स होगा उनको काफ़ी समय लगेगा. उसके बाद आपको तीसरा जो सेटिंग करना है, इनेबल ज्वाइन होस्ट, इनेबल ज्वाइन बिफोर होस्ट, ठीक है? ये आपको ऑफ कर देना है, ये आपको इनेबल नहीं करना है, आपको इसको ऑफ कर देना है. और उसके बाद ये जो पांचवा ऑप्शन है, इनेबल वेटिंग रूम, ये हमेशा ऑन होना चाहिए, हमेशा ऑन होना चाहिए.
अगर ऑन होता है तो कोई भी अनवांटेड आदमी नहीं आपका ज्वाइन कर सकता है और हैक करने में भी काफी दिक्कत होगा। तो चाहे आप WebEx यूज करिए जो सिस्को कंपनी का है, चाहे आप जूम यूज करिए, चाहे आप LARK यूज करिए, तो हर एक में ये ऑप्शंस आता है। बस आपको वेरी सिंपल क्या करना है, इनेबल वेटिंग रूम को इनेबल करना है और आपको इनेबल ज्वाइन बिफोर होस्ट ये आपको ऑफ कर देना है। ठीक है, कोई क्वेश्चंस इसमें? आई थिंक इफ यू वांट आई कैन गिव वन डेमो फॉर द LARK LARK और सिस्को जो WebEx है। इफ यू गिव द डेमो ऑफ LARK देन इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये हम एक वीडियो भी बना लेते हैं और हम लोग आई थिंक आई विल डू वन वेबिनार ऑन LARK, सो दैट वुड बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर ऑल अदर पीपल। As we are listening nowadays, the Zoom is leaking our data. Is it true? No. It's not true. I mean, see, there are few things. First thing is, Zoom is not leaking data. Like some hackers, they hack the data. They hack the meetings. They hack the meeting of Zoom. So very simple what they do. Even I can do like this, a very small thing. So Zoom has all the API. So hackers, what they do, like hackers, they try to join all meetings which are public without any password. Even if they have password, they try to do the like generate the random password and they try to re-log in. They try to re-log in with their password, generated password. And once they are part of, once they are participant of that meeting, then they start sending like, you know, like chat, unwanted chat material or some kind of they start doing like this kind of, because see, most of the time like we don't disable this kind of things. So through API hackers, they start doing like these things. They start creating the host and you'll be able to see like all the unwanted things. So if you disable all these items, your meeting will be safe. And Zoom, they are not leaking any data. They are very much okay. All most of the data is in China. So like we have lots of data in China. We are using lots of things. So most of the things are in China. So that's, you know, like we can't do so much about this. I think the server is in China. Yeah. Zoom server. Yeah, they have server in China. Yeah, they have server in US also. But Chinese server, you know, like is regulated by people believe that Chinese government, they can take the data, but they don't take data randomly or something, but it can happen. But anyhow, our most of the data is public nowadays. This is Prashant, can you show me the where it is shown that LARK has a end-to-end encrypted I can do another meeting on LARK in next meeting. Okay, any other question? If not, you know, like we can close this meeting and I will share all the materials with you. Okay, thank you. What time you will share the video? I will share video now, like in 20-30 minutes. Okay, fine. Thank you so much. Thank you. Sir. Hopefully, like we will be able to use all these things in a very, very efficient way. Yes, especially sure. Like this one, I'm very much hopeful about this learning material, this academic content management. It's very helpful. Yeah, this will be irrespective.